हमेशा की तरह बबलू और पीलू चिड़िया बगीचे में बैठकर बातें कर रहे थे। पीलू, आखिर कब तक हम लोग इसी तरह बगीचे में मिलते रहेंगे? मुझे तुमसे शादी करनी है, मैं कल तुम्हें अपने घर माँ से मिलवाने ले जाऊंगा। पर बबलू, मेरी शादी कौन कराएगा? मेरे माता पिता तो हैं नहीं, मैं तो बचपन से अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार होंगी? पीलू, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मेरी माँ बहुत समझदार हैं, वो मुझे बहुत चाहती हैं, वो जरूर तुम्हें अपनाएंगी। अगले दिन बबलू कबूतर पीलू चिड़िया को अपनी माँ से मिलवाता है। पीलू को देखकर बबलू का भाई उससे पूछता है, भैया ये चिड़िया कौन है, इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? हाँ बेटा, ये चिड़िया कौन है और तू इसे घर में क्यों लाया है? माँ, ये पीलू है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलवाओ, मैं उनसे तुम्हारी शादी की बात करूँगी। माँ जी, मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं, मैं अनाथ आश्रम में पली भड़ी हूँ, मेरा बबलू के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। उसकी बात सुनकर बबलू की माँ भड़क जाती है और गुस्से से कहती है, बेटा तू पागल हो गया है क्या, जो इस अनाथ चिड़िया से शादी करेगा? तेरी शादी तो किसी ऊंचे खानदान में होगी, बस तुझे हाँ कहने की देरी है। हाँ भैया, माँ सही कह रही है, थोड़ा सोचो तो सही, इस अनाथ से शादी करके क्या तुम हम लोगों की नाक कटवाओगे? भैया, अगर आपने इससे शादी कर ली तो मेरी शादी में भी परेशानी होगी। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे बहुत दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन बबलू कबूतर पीलू चिड़िया से छुपकर मंदिर में शादी कर लेता है। बबलू शादी करने के बाद पीलू चिड़िया को अपने घर लेकर आता है। अरे बेटा, तूने ये क्या कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुझे ये अनाथ ही मिली थी शादी करने के लिए। तभी बबलू का भाई वहाँ आता है और अपनी माँ को कमरे में लेके जाता है। माँ, अब रोने धोने का क्या फायदा, भैया ने तो शादी कर ही ली है, अब हमें इस मनहूस चिड़िया को घर से बाहर निकालने का कोई उपाय सोचना होगा। मेरी मानो तो तुम पहले इस पीलू चिड़िया से अच्छा बर्ताव करना शुरू कर दो, फिर मौका देकर इसे ठिकाने लगा देंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, हमें ऐसा ही कुछ करना होगा। बबलू की माँ पीलू से बहुत अच्छा बर्ताव करने लगती है। वो एक बार पीलू को अपने पास बुलाती है। पीलू, मैंने तुझे अपनी बहू की तरह स्वीकार कर लिया है, मुझे तू माफ कर दे, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी सास की बात सुनकर पीलू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। काफी समय बाद पीलू चिड़िया गर्भवती हो जाती है। पीलू चिड़िया अपने गर्भवती होने की बात किसी को नहीं बताती है। वो सोचती है कि जब शाम में बबलू आएगा तो सबसे पहले वो उसी को ये खुशखबरी देगी। बबलू शाम में घर लौटता है तो पीलू चिड़िया उसे ये खुशखबरी देती है। बबलू बहुत खुश होता है। अगले दिन बबलू अपने किसी काम से जंगल से बाहर चला जाता है। उसकी गैर हाजिरी में उसका भाई माँ से कहता है, माँ भैया बाहर हैं, इस अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने का मौका इससे अच्छा हमें नहीं मिलेगा। उन दोनों की बातें पीलू चिड़िया सुन लेती है और रात में जब माँ बेटा सो जाते हैं तो पीलू चिड़िया घर छोड़कर भाग जाती है। जब बबलू कबूतर घर वापस आता है, देखा बेटा, मैं कहती थी ना इसी अनाथ लड़की से शादी मत कर, देख वो कैसे घर से भाग गई है। एक दिन बबलू कबूतर नदी किनारे बैठा रहता है, वो बहुत दुखी होता है। उड़कर वो उस बगीचे में जाता है जहाँ वो पीलू चिड़िया से मिला करता था। तभी पीलू चिड़िया वहाँ पहुँचती है और बबलू को सारी बात बताती है। बबलू ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो घर जाकर अपनी माँ से और अपने भाई से ये सवाल करता है कि उसकी पत्नी जब गर्भवती थी तो क्या वे उसे मारना चाहते थे। ये सुनकर बबलू की माँ और उसका भाई शर्मिंदा हो जाते हैं। बबलू समझ जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ अलग से रहने लगता है। कुछ दिनों बाद उनको एक बहुत प्यारी सी बच्ची होती है। वो लोग अब हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। मधुपुर के घने जंगलों में पीलू चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ और अपने पति के साथ हंसी खुशी रहती थी। लेकिन इसी जंगल में टोनी नाम का एक ईगल था जो बहुत बदमाश था। ये ईगल दूसरे पक्षियों के बच्चों को किडनैप करके ले जाता था। सभी पक्षी इस ईगल से डरते थे।
टोनी की निगाहों से बच्चों को बचाना बहुत कठिन था, लेकिन पीलू चिड़िया और उसका पति हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करते थे और उन्हें अपने घोंसले में छुपा कर रखते थे। ऐसे ही समय बीतता चले गया और पीलू चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए। वो अब स्कूल जाने लगे थे। बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो और स्कूल जाने लगे हो, मुझे अब तुम्हारी चिंता होती है कि कहीं टोनी ईगल आकर तुम्हें उठा न ले जाए। इसलिए अब तुम दोनों सावधानी से स्कूल जाना और सावधानी से घर वापस आना। अगर कोई तुम्हें कुछ खाने के लिए दे तो मत खाना। दोनों बच्चे स्कूल को जाते हैं और स्कूल जब खत्म हो जाता है तो वे लोग स्कूल के बाहर ही खड़े रहते हैं। तभी वहां पर टोनी ईगल उतरता है। बच्चों, तुम लोग बहुत देर से यहाँ खड़े हो, तुम्हें जरूर भूख लग गई होगी। चलो मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए देता हूँ। नहीं, हमारी माँ ने मना किया है कि किसी भी अनजान चिड़िया से कुछ नहीं खाना। उसी समय पीलू चिड़िया वहाँ पर आती है। उसको देखकर टोनी ईगल वहाँ से तुरंत भाग जाता है। पीलू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को घर लेके आ जाती है। घर पहुंचकर दोनों बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ माँ, आप जब नहीं पहुंची थी तब वहाँ पर एक ईगल आए थे और हमें बार बार कुछ खाने के लिए कह रहे थे, लेकिन हमने उनसे कुछ नहीं लिया। आप जैसे ही वहाँ पहुँची तो वो तुरंत उड़ गए। पीलू चिड़िया सोचती है कि वो जरूर टोनी ईगल ही होगा जो उसके बच्चों को किडनैप करने वाला था। पीलू चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो डर जाती है। डर के कारण वो अपने एक दोस्त चीचू कौवे के पास जाती है। चीचू, आज जब मेरे बच्चे स्कूल के बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे तभी वहाँ पर टोनी ईगल आया। वो उन्हें कुछ खाने के लिए कह रहा था। अगर वो कुछ खा लेते और बेहोश हो जाते तो टोनी ईगल उन्हें किडनैप करके ले जाता। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम कुछ आइडिया बताओ ना। टोनी ईगल बहुत बदमाश है, वो बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही किडनैप करता है, वो बहुत खतरनाक है। एक आइडिया है, तुम अपने बच्चों को एक पासवर्ड बताओ, फिर जब उन्हें कोई भी लेने के लिए आए तो वो बच्चे उससे वो पासवर्ड मांगेंगे। अगर वो पासवर्ड सही बताता है तो बच्चे उसके साथ चले जाएं, नहीं तो। ऐसा कहकर कौवा चुप हो जाता है। पीलू चिड़िया घर पहुंचकर अपने दोनों बच्चों के कान में एक पासवर्ड बोलती है। जब भी तुम्हें कोई लेने आए तो उससे ये पासवर्ड पूछना, अगर वो पासवर्ड गलत बताए तो उसके साथ नहीं जाना। टोनी ईगल उन दोनों बच्चों पर निगाह रखता है और सोचता है, इन बच्चों की माँ बहुत शातिर है, इन बच्चों को बहुत अच्छे से बचा के रखी है, लेकिन मैं भी जानता हूँ इनको कैसे किडनैप करना है। ऐसे ही एक दिन पीलू चिड़िया के दोनों बच्चे स्कूल के बाहर अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे, तभी वहाँ पर टोनी ईगल पहुँचता है। बच्चों, तुम्हें लेने के लिए तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा है, चलो मेरे साथ। बच्चे एक दूसरे को देखते हैं। माँ ने आपको एक पासवर्ड बताया होगा, वो पासवर्ड हमें बताइए। तुम्हारी माँ ने मुझे एक पासवर्ड बताया तो था, लेकिन वो मैं भूल गया हूँ। चलो, बहुत देर हो रहा है, तुम्हारी माँ फिकर कर रही होगी, मेरे साथ चलो। बच्चे ईगल के साथ जाने से मना कर देते हैं। ऐसा देखकर टोनी ईगल को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों बच्चों को जबरदस्ती पकड़ लेता है। दोनों बच्चे डर के कारण मदद के लिए चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, ये चील हमें किडनैप कर रही है। बच्चों की चीख को सुनकर वहाँ पर तुरंत ही पुलिस पहुँच जाती है। टोनी ईगल पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी ईगल आखिरकार पुलिस से पकड़ा जाता है और पुलिस उसे जेल में बंद कर देती है। इसके बाद पीलू चिड़िया को उसकी होशियारी के लिए इनाम दिया जाता है। इस तरह से पीलू चिड़िया की समझदारी के कारण जंगल से टोनी ईगल का खौफ खत्म हो जाता है। अब जंगल के बच्चे हंसी खुशी खुलेआम खेल सकते थे।
बेलापुर में पीलू चिड़िया अपनी सहेली के साथ फूल बेचने निकली। फूल ले लो फूल, रंग बिरंगे फूल, ताजे ताजे फूल। तभी वहाँ पर नट्टू काका आया। नट्टू काका, हमसे फूल ले लो। इस पर नट्टू काका कहता है, नहीं नहीं, मुझे तेरे फूल नहीं चाहिए, ऐसे कई फूल मेरे घर में पड़े हैं। ये सुनकर पीलू चिड़िया उदास हो जाती है और रोने लगती है। काका, एक फूल ले लो ना, सुबह से मेरे एक भी फूल नहीं बिके हैं, मैं आपको सस्ते में फूल दे दूंगी। अरे तेरे फूल सस्ते हो या महंगे, जब मुझे तुझसे फूल खरीदने ही नहीं है तो मैं क्यों लूं? चल जा यहाँ से, कहीं और बेच अपने फूल। काका, मैं और मेरी सहेली सुबह से निकले हैं, हमारा एक भी फूल नहीं बिका तो हमारे घर में खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। काका कहता है, अरे तेरा फूल नहीं बिक रहा है तो मैं क्या करूं? तूने सुबह से कुछ नहीं खाई तो मैं क्या करूं? तेरी सहेली कुछ नहीं खाई तो मैं क्या करूं? ये तुम लोगों के बहाने होते हैं जिससे तुम हम लोगों से पैसे निकलवा सको। चलो अब तुम दोनों तुरंत यहाँ से भागो। इस तरह से खरी खोटी सुनकर पीलू और उसकी सहेली दूसरे जंगल में फूल बेचने चली जाती हैं। पीलू अपनी सहेली से कहती है, देखो वो कालू भैया आ रहे हैं, मैं उनके पास जाके फूल बेचती हूँ। पीलू उड़कर कालू के पास जाती है। कालू भैया, ये फूल ले लो, ये कितने सुंदर है, इन्हें आप हम गरीब से खरीद लो ना, मैं आपको बिल्कुल सस्ते दामों में दूंगी, बाजार में इससे सस्ता फूल नहीं मिलेगा। अरे तेरे फूल मुझे नहीं चाहिए, चल हट मेरे रास्ते से, जा किसी और को फूल बेचना, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कालू बिना फूल खरीदे वहाँ से चला जाता है। कालू के जाने पर पीलू बहुत उदास हो जाती है और फिर से रोने लगती है। सुबह से एक भी फूल अभी तक नहीं बिका, फूल नहीं बिकेंगे तो मेरी बीमार माँ की दवाई कैसे आएगी। इस तरह से पीलू चिड़िया रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ पीलू चिड़िया को रोते हुए देखकर उससे पूछती है, पीलू चिड़िया की माँ, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है? माँ, सुबह से शाम हो गई लेकिन फिर भी एक भी फूल नहीं बिका, तुम्हारी दवाइयाँ कैसे आएंगी? इस पर पीलू चिड़िया की माँ उससे कहती है, बेटी तू चिंता मत कर, ऊपर वाला हमारी मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेजेगा, हम गरीबों को वो ऐसे ही मुसीबत में नहीं छोड़ता। अगले दिन पीलू चिड़िया उसकी माँ के साथ नदी के पार एक बंगले में फूल बेचने जाते हैं। पीलू चिड़िया बंगले के बास से कहती है, पीलू चिड़िया, अंकल अंकल मेरे ये फूल खरीद लीजिए ना, आप जब ये फूल खरीदेंगे तो मेरी माँ की इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। तभी पीलू चिड़िया की माँ बेहोश होके गिर जाती है। बास उससे पूछता है, अरे ये क्या हुआ? पीलू चिड़िया कहती है, अंकल सुबह से मेरी माँ ने कुछ नहीं खाई, हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए ये बेहोश हो गई है, क्योंकि हमारे फूल नहीं बिके हैं इसलिए मेरे पास माँ की दवाई के लिए पैसे नहीं है। वो बास पीलू चिड़िया पे दया करता है और अपने पास से 1,000 रुपए का नोट निकाल कर पीलू चिड़िया को देता है। इस पर पीलू कहती है, नहीं अंकल, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हम मेहनत करके खाते हैं, आप मुझसे ये फूल खरीद लीजिए, उसके बदले में आप मुझे पैसे दीजिएगा। बाज पीलू चिड़िया के सारे फूल खरीद लेता है और पीलू चिड़िया की ईमानदारी देख कर पीलू और उसकी माँ को अपने घर में जगह देता है। इस तरह से पीलू चिड़िया की ईमानदारी उसके और उसकी माँ के काम आती है। बाजपुर के जंगल में कालू कौवा रहता था। वो हमेशा से बहुत बेकार के काम करने में रुचि रखता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। अरे भाई, छुट्टियां आ रही है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। चलो हम मनाली चले। मनाली क्यों जाना है, कुछ बड़ा सोचो, हम लोग चांद पर चलते हैं, वहाँ घूमेंगे तो हमारी जंगल में नाम होगा, मनाली तो हर कोई जाता रहता है। नहीं भाई, मुझे तो मनाली ही जाना है, रॉकेट का पैसा कहाँ से लाएंगे? ये कहकर कालू के दोनों दोस्त उसकी हंसी उड़ाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे स्कूटर में चलेंगे। ट्रिपल सवारी? अगले दिन कालू उनके सामने अपना स्कूटर लाता है। उसको देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। कालू के स्कूटर में अगल बगल दो और स्कूटर जुड़े रहते हैं। है ना कमाल का मेरा स्कूटर, चलो अब इसमें चलते हैं। अरे वाह कालू, तूने तो बहुत ही अच्छा आविष्कार किया है। हाँ, मुझे क्या उल्लू समझे थे, चलो अब मजे करेंगे मनाली में।
इस तरह से तीनों दोस्त उस स्कूटर में निकल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूरी में उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। अरे ये क्या 5 किलोमीटर में ही पेट्रोल खत्म हो गया? हाँ, 3 स्कूटर है ना, वजन कम करने के लिए मैंने एक ही पेट्रोल टैंक लगाया है, लेकिन 3 इंजन है तो पेट्रोल थोड़ा ज्यादा पीती है ये स्कूटर। हे भगवान, हर 5 किलोमीटर में इसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। हमें नहीं जाना मनाली, तू ही जा इस खटारा में। कालू के दोनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। अरे रुको रुको, स्कूटर को धक्का तो दे दो। कालू अपना स्कूटर धक्का देकर घर वापस लाता है और अपने पिता कड़क से कहता है, पापा मेरे दिमाग की इस गांव में कोई कदर नहीं है। तू बहुत ही बेकार की चीज बनता जा रहा है बेटा, तू कहीं नौकरी कर। तू बहुत ही बेकार की चीज बनाता है जो मुसीबत ज्यादा करती है, समाधान नहीं। मतलब तू काम ज्यादा बिगाड़ता है, लोगों के काम आएगा तो लोग तुझे पसंद करेंगे। कालू सोच में पड़ जाता है कि वो लोगों की नजर में कैसे उठे। तभी वो एक डबल डेकर बस को देखता है, पूरी बस भरी हुई थी और फिर भी लोग उसमें चढ़ रहे थे। अब मैं ऐसी बस बनाऊंगा कि लोगों की तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसके बाद कालू एक ट्रिपल डेकर बस बनाता है और बड़े शान से निकलता है, लेकिन उसकी बस इतनी ऊंची होती है कि वो फोन के केबल, टीवी केबल और बिजली के तारों को तोड़ते हुए निकलती है। पूरे गांव में बिजली चली जाती है, फोन्स बंद हो जाते हैं। देखिए पिताजी, मैंने क्या नायाब चीज बनाई है, ट्रिपल डेकर बस। ऐसी बस पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। अरे उल्लू कहीं का, तूने पूरे गांव की बिजली गोल कर दिया है, सारे तार तोड़ दिए, नालायक। अब तुझे सिर्फ पिटाई ही ठीक कर सकती है। ऐसा कहकर कड़क कालू की पिटाई कर देता है। इसके बाद से कालू अपनी उठपटांग हरकतों को बंद कर देता है। फिर कालू पूरे गांव के बिजली के तार को रिपेयर करता है। इस तरह से कालू धीरे धीरे सुधर जाता है और सही चीजें करने की आदत डाल लेता है। फिर कालू का सभी लोग मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। शहर के एक जंगल में पीलू अपने पति बबलू कबूतर के साथ रहा करती थी। वो अपने पति को लंच बॉक्स देकर उसे ऑफिस भेजती है। तभी उसे एक अपने मोटर वाहन से उतरती दिखती है। अरे बबली तू! अरे पीलू तू यहाँ कैसे? बबली मैं और मेरे पति इस घोंसले में किराए से रहने के लिए आए हैं। अच्छा चल, मैं अब घर के अंदर चलती हूँ, मुझे इतनी देर धूप में रहने की आदत नहीं है, मैं तो एसी में ही रहती हूँ। अच्छा, लेकिन स्कूल में तो तू हमेशा बाहर धूप में ही खेला करती थी। स्कूल की बात अलग थी, अब मैं अमीर घर में शादी होके आई हूँ, मुझे धूप बिल्कुल सूट नहीं करती है। दूसरे दिन पीलू बबली के घर अचार लेकर जाती है। बबली ये देख, मैं तेरे लिए आम का अचार लेकर आई हूँ, इसे मेरी सास ने बनाया है, वो भी घर में। अरे ये ऑयली अचार मैं नहीं खाती हूँ पीलू, ये सब गांव में चलता होगा, मेरे यहाँ नहीं, इसे तू वापस ले जा। पीलू उदास होकर कहती है, ओहो बबली तेरी लाइफस्टाइल तो बहुत बदल गई है, चल ठीक है मैं अब चलती हूँ। ऐसे कहकर पीलू वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आता है। पीलू अपने पति से कहती है, बबलू जी मैं ये साड़ी करवा चौथ पे पहनूं तो कैसी लगेगी? पीलू तुम भी क्या सोचती होगी कि कैसा पति मिला है, किराए के घर में रखा है, नई साड़ी भी नहीं दिला सकता। लेकिन क्या करूं, मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि महीना पूरा होने के पहले ही सारा पैसा खत्म हो जाता है। काश इस त्योहार में मैं तुम्हें कम से कम एक अच्छी साड़ी दिला पाता। बबलू जी आपका प्यार ही मेरे लिए असली दौलत है, आप चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। तुम सच में बहुत अच्छी हो पीलू, ये लो 1,000 रुपए और इससे करवा चौथ का सामान ले आना। ठीक है जी, मैं
मैं पूजा का सामान ले आऊंगी। शाम में पीलू के घर बबली आती है। पीलू, आज करवा चौथ मनाने के लिए सभी बंगलों में आ रही है, तू भी आ जाना। मेरे बंगलों की छत से चांद साफ साफ दिखता है। तुम लोगों की छोटे छोटे घोंसलों में शायद वो सही से निकलेगा नहीं, फिर तुम लोग भूखी रह जाओगी। अगर सब आ रही है तो मैं भी आ जाऊंगी बबली। अब मैं चलती हूँ, मुझे तैयारी करने के लिए पर्सनल स्टाइलिस्ट आने वाली है, वो 50,000 ले रही है मुझे स्टाइल करने के लिए। तुम लोग तो खुद से तैयार हो जाना। रात में सभी बबली के बंगलों में पहुंच जाती है। पीलू भी वहां जाती है। अरे वाह बबली, तुम्हारी साड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ये मेरे मुंबई जंगल के पर्सनल फैशन डिजाइनर ने मुझे डिजाइन करके दिया है। अरे तेरी मेहंदी, उसकी डिजाइन भी कमाल है। ये 25,000 की है। तुम्हारी मेहंदी के खर्च से हमारा पूरा घर ही चल सकता है। सब हंसने लगते हैं। चलो अब चांद निकलने वाला ही है, लेकिन मेरे पति नहीं आए हैं। उनके हाथों से मैं फिल्टर्ड वाटर पीऊंगी, उसके बाद ही अपना व्रत तोड़ूंगी। एक के बाद एक सभी चिड़ियाएं अपने पति का चेहरा चांद के साथ देखकर साथ ही व्रत पूरा कर लेती है। पीलू भी बबलू के साथ व्रत पूरा कर लेती है, लेकिन बबली के पति अभी तक नहीं आते हैं। फिर सभी अपने अपने घर चली जाती है। देर रात को पीलू बबली को फोन लगाती है। अरे बबली, फोन क्यों नहीं उठा रही है? उसके पति घर आए कि नहीं? ऐसे कहते हुए वो अपने पति के साथ बबली के घर जाती है। वहाँ वो देखती है कि बबली अपने हॉल में बेहोश पड़ी हुई है। फिर पीलू तुरंत ही डॉक्टर को फोन लगाती है। इन्हें तो डिहाइड्रेशन हुआ है, इन्हें मैं एक इंजेक्शन देता हूँ, इससे इनकी हालत संभल जाएगी। इनके पति को जल्दी से बुलाओ। फिर बबलू तुरंत ही बबली के पति के ऑफिस पहुंच जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। वो दोनों जल्द से जल्द घर वापस आते हैं। आप कहाँ रह गए थे? आपका फोन नहीं लग रहा था। बबली, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि आज तुमने करवा चौथ का व्रत रखी है। चलो अब जल्दी से अपना व्रत पूरा कर लो। फिर पीलू की मदद से बबली अपना व्रत पूरा कर लेती है। बबली, तुमने भाई साहब को व्रत के बारे में क्यों नहीं बताया? मैं फैशन और मेकअप में इतना ध्यान ही नहीं दी कि मुझे इन्हें बताना था, याद ही नहीं रहा। पीलू, तुम्हारी सादगी से मैं सीखूंगी कि इतने कम पैसों में भी कैसे अच्छे से रहते हैं। अब मैं अपनी दौलत के लिए इतनी घमंडी नहीं रहूंगी। उसके बाद से बबली सुधर जाती है और सादगी से अपना जीवन बिताने लगती है। एक गांव में मोना नाम की एक हथनी रहा करती थी। मोना हथनी का एक बेटा भी था जिसका नाम सोनू था। सोनू खरगोश अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। सोनू खरगोश के पापा की कुछ समय पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके कारण मोना हथनी को अब काम करना पड़ता था। उसने अपने घर में एक मेड भी रखी हुई थी जिसका नाम पीहू लोमड़ी था। पीहू लोमड़ी बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और घर की सफाई भी बहुत अच्छे से करती थी। अरे पीहू, मैं जॉब पे जा रही हूँ, तुम सोनू का अच्छे से ध्यान रखना और उसे जो भी खाना उसे दे देना, ठीक है? और सारे कपड़े भी वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए, उन्हें भी धुल लेना। ध्यान से कर देना ये सारे काम, रात को आकर मैं देखूंगी। अले मोना नीनी, आप मेरे रहते किसी भी बात की फिक्र मत करा करो, मैं सारे काम कर लूंगी। आप बस अपने काम पर ध्यान दो दीदी, जब तक मैं हूँ सोनू बाबा को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। मोना बेफिक्र होकर अपने जॉब पर चली जाती है। मोना के ऑफिस में अब कुछ काम चल रहा था जिस वजह से उसके ऑफिस वालों ने उसे वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा था। मोना हथनी पीहू लोमड़ी से कहती है, अरे पीहू, जाकर पहले तू सोनू को उसके स्कूल से ले आ, उसके बाद यह काम कर लेना। जा जल्दी से, उसके बाद मैं तुझे और काम बता दूंगी, चल चल। पीहू लोमड़ी सोनू खरगोश को स्कूल से ले आती है। उसके बाद मोना हथनी पीहू लोमड़ी को और काम बता देती है। काम भी बहुत ज्यादा था, लेकिन पीहू लोमड़ी काम को जल्दी निपटा देती है। पीहू, अब तू कपड़े धुल ले, इसके बाद खाना बना देना और बाजार से भी सब्जी ले आना। देख, फ्रिज में एक सब्जी भी नहीं रखी है, अब कल क्या बनाएंगे। चल 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 चल, जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़ा है। पीहू पूरा दिन काम करके अपने घर चली जाती है। मोना को काम जरा भी नहीं करना पड़ता था। एक दिन अचानक से पीहू लोमड़ी की तबीयत खराब हो जाती है। पीहू लोमड़ी मोना हथनी से कहती है, दीदी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ दीदी, कल जल्दी आकर काम खत्म कर लूंगी। ठीक है पीहू, तू घर जाकर आराम कर, कोई बात नहीं, जो काम पड़ा है कल आकर कर लेना। पीहू लोमड़ी घर चली जाती है। अगले दिन जब पीहू काम पर नहीं आती
तो मोना हथनी को भी घर का सारा काम करना पड़ता है। उसकी अब इतना काम करने के बाद हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने इतना सारा काम कभी नहीं किया था। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं, पर पीहू अभी भी काम पर नहीं आती। अरे ये पीहू कहाँ रह गई? ऐसे तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अगर वो काम पर नहीं आई तो सारा काम मुझे ही करना होगा। तभी दरवाजे से एक और लोमड़ी आती है, जिसका नाम सोनी होता है। वह अंदर आती है। अरे अरे, तुम कौन हो और कैसे अंदर चली आ रही हो? मैडम पीहू, मेरा नाम सोनी है, मैं पीहू की बहन हूँ। उसकी तबीयत अभी खराब है, इसलिए उसने मुझे अपने बदले काम पर भेजा है। मोना ये सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और उसे सारे काम बता देती है। सोनी तुम पहले खाना बना दो मुझे, और सोनू को बहुत तेज भूख लग रही है, चलो चलो जल्दी बनाओ। ठीक है मैडम। सोनी लोमड़ी खाना बनाती है। जब दोनों खाना खाते हैं तो वह खाने में बहुत ही अच्छा होता है। मम्मी, सोनी दीदी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ बेटा, ये तो पीहू से भी अच्छा खाना बनाती है। अरे मैडम, हम दोनों बहनों का खाना बनाना हमारी मम्मी ने ही हमें सिखाया था। एक दिन सोनू के ऊपर एक चूहा भागते हुए जाता है। मम्मी मम्मी, चूहा देखो यहाँ से भागा है। हाँ मगर ये आया कहाँ से? मम्मी इसे पकड़ो ना, वरना ये मुझे परेशान करेगा। मम्मी पकड़ो ना जल्दी से। ठीक है सोनू, मैं कुछ करती हूँ। मोना अपनी चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी लाती है और स्प्रे भी लाती है, जिससे चूहा बेहोश हो जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चूहा उनकी पकड़ में नहीं आता है। मम्मी आपका प्लान तो खराब हो गया, अब मैं ही कुछ करता हूँ। सोनू एक जाल बनाता है, जिसके अंदर सोनी के हाथ का बना हलवा रख देता है। चूहा जब उसे खाने के लिए आता है तो वो उसके अंदर बंद हो जाता है और सोनू उसे पकड़ लेता है। अरे वाह सोनू, तुमने तो इसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया, ऐसे कैसे? मम्मी ये चूहा सोनी दीदी के हाथ का बना हलवा खाने के लिए आया था, इसे भी दीदी के हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगा। हाँ आखिर सोनी खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। चलो अब इसे बाहर छोड़ाते हैं, वरना ये घर का नुकसान कर देगा। पहले इसने बहुत सारे कपड़े कुतर दिए हैं, और सोनू खरगोश उसे दूर जगह पर जाकर छोड़कर आ जाता है, और इस तरह उन्हें उस चूहे से निजात मिल जाती है। भागलपुर नाम के एक छोटे से गांव के जंगल में पीलू एक छोटी सी पिज्जा बनाने की दुकान चलाती थी। वो बहुत मेहनत करके अच्छी क्वालिटी की ब्रेड बनाया करती थी और उसी से पिज्जा बनाती थी। पीलू पिज्जा में ताजी चीज और ताजी सब्जियां भी डाला करती थी। पिज्जा बेचकर अपना घर का खर्च चलाया करती थी। उसकी दुकान के सामने कालू कौवे का भी बेकरी की दुकान थी। वो पीलू से बहुत जलता था और एक दिन उसने अपनी दुकान में एक इंटरनेशनल ब्रांड का रेडीमेड पिज्जा बेचना शुरू कर दिया, जिससे पीलू की दुकान में अब लोग कम आने लगे। पीलू को घाटा होने लगा। हे भगवान, कितनी मुश्किल से मैं अपनी दुकान चलाती थी, घर में पिज्जा ब्रेड बनाती थी, घर में चीज बनाती थी और सब्जियां उगाकर पिज्जा में डालती थी, अब मेरा क्या होगा? एक दिन पीलू को दूध सप्लाई करने वाला हरिया तोता पीलू के पास पहुंचता है। अरे पीलू बहन, क्या बात है? आप आजकल दूध का नया ऑर्डर नहीं कर रही हो? पहले तो इस मौसम में 10-10 लीटर दूध मंगवाती थी। क्या बताऊं हरिया काका, कालू की बड़ी दुकान के कारण मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं तो अपने पिज्जा की दुकान बंद करने की सोच रही हूँ, कहीं और जाकर शहर में नौकरी कर लूँगी। अरे ऐसी बातें मत करो बहन, कोई हमें कंपटीशन देगा तो हमें भी उसे कंपटीशन देना ही होगा। ऐसे हार मत मानो, ऐसे तो बहुत बार जिंदगी में परेशानियां आएंगी और तुम हार मानकर कहां भागोगी? आप ठीक कह रहे हैं काका, लेकिन आप तो अच्छे से जानते हैं कि मैं कालू का सामना नहीं कर सकती। जल्दी ही मेरा इतना नुकसान हो जाएगा कि मुझे उधार लेना पड़ जाएगा और मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। तुम इतना मत सोचो पीलू, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकालता हूँ। मैंने सुना है कि यूरोप से एक नया चिकन आया है, पिंकी चिकन। पिंकी चिकन से बनी हुई चीजें दिखने में पूरी तरह से पिंक होती है और उसमें जरूरी विटामिन्स मिनरल्स भी होते हैं। अगर तुम उसका पिज्जा बनाओ तो मैं तुम्हें कम दाम में वो ला दूंगा और तुम उससे मुनाफा कमाना। पीलू तैयार हो गई और फिर हरिया उसको पिंकी चिकन लाकर देता है। यूरोप से आई पिंकी चिकन से पीलू शाम में पिज्जा टॉपिंग बनाती है। पीलू उसको हरिया को खिलाकर उससे पूछती है, हरिया काका
ये पिंक पिज्जा है, तुम जरा इन्हें टेस्ट करके तो बताओ कि ये कैसे बने हैं। वाह बहन, ये तो लाजवाब पिंक पिज्जा है, मैंने तो ऐसे कभी नहीं खाया। और फिर पीलू अपनी दुकान में पिंक पिज्जा बेचने लगी। उनकी दुकान में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद आए दिन उसको हरिया पिंक चिकन सप्लाई करने लगा। पीलू अपने पिंक पिज्जा को बहुत कम दाम में बेचती थी। इसी वजह से कालू कव्वी की इंटरनेशनल ब्रांड की बेकरी अब ठप पड़ने लगी। पीलू के पिंक पिज्जा को अब बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे और जल्दी ही वो बहुत अमीर हो गई। लोग उसके पिज्जास को बड़ी बड़ी शादी और पार्टी में ऑर्डर कर रहे थे। एक दिन फोर्ड चैनल वाले उसकी दुकान में वीडियो शूट करने के लिए आते हैं। इसे पीलू और भी प्रसिद्ध होने लगी। फिर पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगी।